अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? आई होप खुश हैं, ठीक हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब बिल्कुल खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो आज ये जो मैंने उमरे की वीडियो अपलोड की है, पूरे उमरे की मैंने वीडियो अपलोड की है, मदीना से मक्का तक का जो भी सारा सफ़र है, वो सारा कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया है। मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर है, मेरी जो छोटी बहन है, मुझसे वो उमरे पे गई थी अभी कुछ ही डेज पहले, तो उसने ये सारी वीडियो रिकॉर्ड की थी। और मेरा मकसद सिर्फ यही था, ये वीडियो अपलोड करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि काफ़ी सारे लोग जो उमरे पे जा रहे हैं या काफ़ी सारे लोग जिन्होंने उमरे पे जाना है, जाना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके माइंड में। और ये वीडियो देखने के बाद एंड आई होप कि आप लोगों के उन क्वेश्चंस के आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप लोग ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो देखने से बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको भी उमरा नसीब करे, हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला उमरा जो है वो उस रमज़ान के मुबारक महीने में हम सब की ये दुआ अल्लाह ताला कबूल करें, हम सबको भी अल्लाह ताला उमरे की ये सआदत नसीब करें। होती तो नसीब की बात है, और जब हम सबका नसीब होगा तो इंशाल्लाह हम भी सब उमरे पे ज़रूर जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी सारे आंसर्स जो आपके माइंड में हैं उनके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही जो है वो इजी हो जाता है। इस तरह की काफ़ी सारी और भी बहुत सारी वीडियो बहुत सारे जो लोग जाते हैं बनाते हैं, तो ये सब जो है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हम यहाँ पर बैठ के और ये सब कुछ देख सकते हैं और अपनी आँखों से हर चीज़ देख सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को काफ़ी से काफ़ी जो है वो नॉलेज इस वीडियो से मिल सके, और आप लोगों के माइंड में जो भी सारे आंसर्स हैं ये वीडियो देखने के बाद वो सारे आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और मैं तो देखती रहती हूँ वीडियो देखने, और बहुत सुकून मिलता है। तो वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा, और अगर आपको मेरे लिए हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें जी, और चलते हैं, चल के जो है वो पूरी वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो को एंजॉय करते हैं।
خاک لگائی تھی تو ان سے ان کے زخم کیا ہو گئے تھے؟ صحیح ہو گئے تھے. تو یہ مقام خاک شفا کے نام سے مشہور ہو گیا. جو حکم دے اس کو لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو یہ تاریخی مسجد ہے, دو قبلوں کی رخ کر کے نماز پڑھی گئی. اور تو انشاءاللہ آپ نے پہلے بالکل چنگے کرنے کے اندر یہ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا گھر تھا. یہ گھر کا بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا جنگے کرنے کے لیے یہاں پر جلدی جلدی آ جائے. یہ جو سامنے یہ آتا جو ہے یہ شہدا احد کا آتا ہے, اور یہ جو آتا ہے نا یہ شہدا احد دفن ہے اس میں, یہ جو بڑا والا ہے. Thank you.
Thank you.
أشهد أن لا से नहीं है ना स्वास्थ्य से, और ये पहाड़ का बैक साइड है, इसके पिछली तरफ जो है ना वो ऐसा होता है, तीन दिन कयाम होता है, दस जलिजा, ग्यारह बारह, दस जलिजा को हम इन खेमों में आ जाते हैं, अपना सामान खेमों में रखते हैं और पहला काम अंजाम देते हैं दस जलिजा को खेमों में, अपने कैंप में पहुंचकर कैंप पहले से मुशख्खस होते हैं, अपना सामान कैंपों में रखा और चले गए बड़े शैतान को सात टक्करियां मारने। ये अमल भी मीना के अंदर हो रहा होता है, और फिर सात कंकरियां मारने के बाद फिर वाजिब है मीना के अंदर 10 तारीख को कुर्बानी करें। अब कुर्बान का है मीना से बाहर है, लोग इज्तमाही तौर पे कुर्बानी करने जाते हैं, लोग एक दो को नियाबत दे देते हैं, वो लोगों की तरफ ना लोग सो रहे होते हैं इसके अंदर।
اگر کسی کو میں کہتا ہوں عیدی کا مردہ خانہ دیکھنا ہے نا، وہ یہاں کے دیکھے ایسے لاشیں پڑی ہوتی ہیں، بالکل موت کا منظر ہوتا ہے، اور کروٹ بھی نہیں لے سکتا ہے بندہ، کہتا ہے پڑوسی کو کروٹ لے رہا ہوں. تو اس طرح کا، کیونکہ یہی پر یہاں 3 دن قیام ہے، تو لہٰذا کچھ نسبتاً بہتر خیمے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. واش روم کا سسٹم تقریباً وہی ہے جو عرفات میں ہے، جو مزدلفہ میں ہے. یہ خیمے سر جو خوب نکلا ہوا نا، یہ میرے خیال میں 16, 18, 32 کا خیمہ ہے، اور بڑا 42, 48 کا خیمہ ہے. یہ ہم ابھی مزدلفہ سے اس کے بیچ میں وادی آتی ہے جس کو وادی میسر کہتے ہیں، یہ ابھی تو مزدلفہ ہی ہے. جہاں خیمے بند ہو جائیں نا، انہوں نے بھی وادی میسر میں خیمے نہیں لگائے، یہ وادی میسر ہے. اس سے وہ لشکر نابود ہو گیا تھا. تو یہ مزدلفہ، یہ کبری ہے، فیصل کہلاتی ہے. اچھا یہ جو آپ کو خیمے نظر آئیں گے نا، یہ منا کے کہتے ہیں خیمے، منا کے نہیں ہیں، اب ہیں اصلا یہ مزدلفہ کی حدود میں، لیکن منا کو ایکسٹینڈ کر کے انہوں نے کہہ دیا، اس کو نیو منا کا نام دے دیا. کبھی کہتے ہیں نا حج سستا ہے، وہ اس کی وجہ سے سستا ہے کہ وہ قیام ہی ان کا مزدلفہ میں ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ جو خیمے، اس کو دیکھ لیں، منا کے خیمے بنا دیے گئے ہیں یہاں پر، لیکن یہ ابھی تک مزدلفہ ہے. منا اسٹارٹ ہوگا میں دکھا دوں گا آپ کو، ابھی تک یہاں ایک بورڈ بھی لگا آ رہا ہے مزدلفہ ہے، لیکن یہ منا کے نام پر یہاں رہتے ہیں. یہ خیمے جو نظر آ رہے ہیں نا، ہم تو کچھ کرنے سے پہلے نہیں ہے، زیادہ مطلب ہے.
Oh.
रास्ते के लिए ले लेना, हाँ रास्ते के लिए रख लेंगे। वो पता है क्या देने वाले, बिरयानी देने वाले जो ना खाने वाली हो। मेरे बच्चे ने कितना बदनाम होने, कितना गंदा किया है सबका, भी मैं तो अब कपड़े चेंज नहीं करूँगी। ছিলাম।